आफताब अमीन पूनावाला का अब बचना नामुमकिन है क्योंकि पुलिस को आफताब के खिलाफ बहुत सारे सबूत मिल चुके हैं। किचन में खून के धब्बे मिले हैं, जंगल में श्रद्धा का जबड़ा मिला है और 18 हड्डियां मिल चुकी हैं। और अब देखिए, पुलिस को अब जो सबूत मिले हैं वो चीख चीख कर आफताब की हैवानियत की गवाही दुनिया के सामने दे रही है। अब सबको आफताब के पॉलीग्राफ टेस्ट का इंतजार है क्योंकि ये वही टेस्ट है जिसके बाद आफताब का नाको टेस्ट होगा। कभी आफताब के फ्लैट में, कभी महरोली के जंगल में, तो कभी तालाब में। श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस पिछले करीब 10 दिनों से सबूतों के लिए लगातार खाक छान रही है और अब एक एक कर पुलिस को ब्रेक थ्रू हाथ लगने लगे। महरोली के जंगल में पुलिस ने एक जबड़े का हिस्सा और कुछ हड्डियां बरामद करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने इन हड्डियों को कब्जे में लेकर तत्काल फॉरेंसिक जांच के लिए लैब भेज दिया है। पुलिस को उम्मीद है कि ये हड्डियां श्रद्धा की हो सकती हैं। श्रद्धा हत्याकांड में पुलिस को जंगल से श्रद्धा के जबड़े का कुछ हिस्सा मिला है। असल में आफताब की निशानदेही पर जगह जगह आफताब को लेकर इस वक्त दिल्ली पुलिस रेड्स कर रही है क्योंकि अब तक श्रद्धा के कई बॉडी पार्ट्स नहीं मिल पाए हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस को एक जबड़े का हिस्सा मिला है जिसको फॉरेंसिक लैब में भेजा जाएगा ताकि पता लग सके कि क्या ये जबड़ा श्रद्धा का ही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इंसानी ये जबड़ा है और ये श्रद्धा का जबड़ा हो सकता है। इसके मुताबिक यानी कि आफताब ने सबसे पहले श्रद्धा की ना केवल पिटाई की बल्कि उसकी हत्या करने के बाद उसका सर तन से जुदा किया और उसके चेहरे को भी बुरी तरीके से तोड़ा, उसके दांतों को तोड़ा और उसके जबड़े को पूरी तरीके से पंचर करके उसने अलग किया। इस पूरे मामले के अंदर पुलिस ने फिलहाल महरोली के जंगल से इस जबड़े के हिस्से को बरामद किया है जिसकी जांच के लिए इसे फॉरेंसिक साइंस लैब में भेज दिया गया है। इसके साथ ही एक और जानकारी निकलकर सामने आई है कि जो आफताब है ये हिमाचल के तोश में इसके ड्रग सिंडिकेट के कुछ ना कुछ कनेक्शन जो हैं वो निकलकर सामने आए हैं। जो सूत्र हैं पुलिस सूत्रों के मुताबिक इसके फोन से हिमाचल के तोश के कुछ ड्रग तस्करों के नंबर मिले हैं। इसी वजह से पुलिस ये जानने में लगी है कि क्या जो आफताब है वो लड़कियों का इस्तेमाल ड्रग तस्करी में तो नहीं करने लगा था क्योंकि ये श्रद्धा के साथ हिमाचल के तोश भी गया था। श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस धीरे धीरे सबूत जुटा रही है लेकिन अभी भी पुलिस को जिन सबूतों की तलाश है उनमें श्रद्धा का कटा हुआ सिर, शव काटने में इस्तेमाल हथियार, श्रद्धा का मोबाइल फोन, श्रद्धा के बाकी बॉडी पार्ट्स, आफताब की दूसरी गर्लफ्रेंड्स, महरोली के जंगल में तलाशी के बाद पुलिस आरोपी आफताब को लेकर उसके घर के पास स्थित हार्डवेयर की दुकान पर भी पहुंची थी। पुलिस की पूछताछ में आफताब ने बताया था कि उसने हथौड़ी, कील और लोहा काटने वाली आरी का ब्लेड यहीं से खरीदा था। दिल्ली पुलिस की टीम सबूतों के अभाव में जगह जगह छापेमारी कर रही है। इसी बीच दिल्ली पुलिस की टीम आफताब के साथ एक हार्डवेयर शॉप में पहुंचती है। ये हार्डवेयर शॉप आप देख रहे हैं आफताब के घर से बेहद नजदीक ये हार्डवेयर शॉप है। बताया जा रहा है कि एक हफ्ते पहले दिल्ली पुलिस की टीम आफताब के साथ इसी हार्डवेयर शॉप में पहुंचती है और जो जानकारी सामने आई है कि आफताब ने इस हार्डवेयर शॉप से आरी में लगने वाला जो ब्लेड होता है वो यहां से खरीदा। तकरीबन 250 ग्राम के आसपास कीले यहां से खरीदी, हथौड़ा यहां से खरीदा। इस दुकान के ओनर हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है जी आपका? राजन बंसल। बंसल साहब, कब आई थी पुलिस टीम आपके पास और क्या कुछ हुआ उस दौरान? कुछ नहीं सर, आफताब को लेके आई थी 10 से 12 दिन पहले और उन्होंने यहाँ वेरीफाई किया कि आफताब ने कि भाई मैंने यहाँ से सामान खरीदा था, आरी ब्लेड, कीले, कुछ ऐसा ही सामान उसने बताया। बट हम कुछ श्योरिटी के साथ कह नहीं सकते कि भाई आया था नहीं आया था, बहुत पुरानी बात हो चुकी है। तो आपको याद है कि आफताब आया था क्योंकि यहीं पास का ही रहने वाला है और जब ये केस शुरू हुआ तो आपको जानकारी थी कि आपकी दुकान से भी कुछ सामान खरीदा है? नहीं सर, ऐसी मेरे को कोई भी जानकारी नहीं थी और जब तक तो ये न्यूज़ मीडिया में भी नहीं आई थी जब वो हमारे पास आ चुके थे। तो ये 10-12 दिन पहले आ चुके थे हमारे पास और ये आफताब ने क्लेरिफाई किया कि भाई यहाँ से ऐसा ऐसा सामान गया है। आफताब खुद आया था आपकी शॉप पे, पुलिस लेकर आई थी? पुलिस लेके खुद आई थी। श्रद्धा मर्डर केस में कानून की कसौटी पर कसे जाने वाले सबूतों की तलाश में आफताब अमीन पूनावाला की नार्को टेस्ट का हर किसी को इंतजार है लेकिन इसमें अभी कुछ टेक्निकल पॉइंट्स के चलते कुछ वक्त लग सकता है। इस पूरे मामले के अंदर फिलहाल
जो आफ्ताब का नार्को टेस्ट है जिससे तमाम सच्चाई सामने आ पाएगी उसे अभी होने में समय लगेगा, क्योंकि एफएसएल के जो साइंटिस्ट हैं उनके मुताबिक इस पूरे प्रोसेस के अंदर कई सारे टेस्ट पहले कराने पड़ते हैं, जिसमें एक पॉलीग्राफी टेस्ट होता है और पॉलीग्राफी टेस्ट कराने के लिए कोर्ट की मंजूरी चाहिए होती है और उसमें आरोपी यानी कि आफ्ताब की मर्जी शामिल है या नहीं ये बात भी जरूरी होती है। इसीलिए दिल्ली पुलिस ने साकेत कोर्ट में एक एप्लीकेशन दी है और परमिशन मांगी है कि वो आफ्ताब का पॉलीग्राफी टेस्ट कराना चाहते हैं। मंगलवार को आफ्ताब की कस्टडी खत्म हो रही है, पुलिस उसे कोर्ट में पेश करेगी या तो फिजिकली और या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उसे पेश करेगी। उसी दौरान पॉलीग्राफी टेस्ट की परमिशन भी कोर्ट दे सकता है, जिसके बाद इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने में करीब 10 दिन का वक्त लगेगा। आखिर इस मामले में नार्को टेस्ट की जरूरत क्यों पड़ी है वो बताते हैं। कई सवालों का सही जवाब नहीं मिला, पूछताछ में कई बातें आफ्ताब ने नहीं बताई। नार्को टेस्ट से कई सवालों के जवाब मिलेंगे, जांच साइंटिफिक तरीके से हो सकेगी, आफ्ताब के खिलाफ मजबूत केस बनेगा। आखिर वो कौन से सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस को अभी तक नहीं मिल पाए हैं और जिनके जवाब ढूंढने के लिए आफ्ताब का नार्को टेस्ट कराया जा रहा है। श्रद्धा का मर्डर क्यों किया, श्रद्धा का कटा सिर कहां फेंका, कहां कहां फेंके शव के टुकड़े, मर्डर में इस्तेमाल किया गया हथियार कहां है, श्रद्धा का मोबाइल फोन कहां फेंका, मर्डर के बाद कैसे सबूत मिटाए। नार्को टेस्ट का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब उस आरोपी को इसके बारे में पता हो और उसने इसके लिए हामी भरी हो। नार्को टेस्ट एक परीक्षण प्रक्रिया होती है जिसमें शख्स को ट्रुथ ड्रग नाम से आने वाली एक साइको एक्टिव दवा दी जाती है। हालांकि कई मामलों में सोडियम पेंटोथॉल का इंजेक्शन भी दिया जाता है। खून में दवा पहुंचते ही व्यक्ति के सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है और वो हिप्नोटिक स्टेट में पहुंच जाता है, जिससे वो बिना किसी हिचक के सवालों के जवाब देता है। नार्को टेस्ट जांच अधिकारी, मनोवैज्ञानिक, डॉक्टर और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की उपस्थिति में किया जाता है। इस दौरान जांच अधिकारी आरोपी से सवाल पूछता है और इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है। श्रद्धा मर्डर केस की जांच दिल्ली से निकलकर 5 राज्यों तक पहुंच चुकी है। दिल्ली पुलिस अलग अलग राज्यों से मर्डर को लेकर सबूत जुटाने में लगी है, जहां से कुछ चौंकाने वाले खुलासे होने की उम्मीद है। अब पुलिस को उम्मीद है कि आफ्ताब के नार्को टेस्ट के बाद सारे मामले से पर्दा उठ जाएगा। अब श्रद्धा मर्डर केस में जैसे जैसे दिल्ली पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे चौंकाने वाले खुलासे भी सामने आ रहे हैं। आफ्ताब ने पुलिस को हत्या में इस्तेमाल हथियार के बारे में भी बड़ा इनपुट दिया है। आफ्ताब ने वो जगह बताई है जहां पर उसने मर्डर के बाद वारदात में इस्तेमाल हथियार को फेंका है। आफ्ताब ने पुलिस को बताया कि उसने हत्या में इस्तेमाल जारी और ब्लेड गुरुग्राम DLF के फेस 3 की झाड़ियों में फेंका था। वहीं जो चॉपर है उसने मेहरौली के 100 फुटा रोड के कूड़ेदान में फेंक दिया था। श्रद्धा मर्डर के इस मामले में रोजाना नए खुलासे सामने आ रहे हैं। आफ्ताब में पूछताछ ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। दिल्ली पुलिस से पूछताछ में आफ्ताब ने बताया कि श्रद्धा के मर्डर और श्रद्धा के शव को काटने में जिन औजारों का इस्तेमाल किया गया वो औजार दिल्ली और गुरुग्राम दो अलग अलग लोकेशन पे फेंके गए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं आफ्ताब के घर से महज 750 मीटर दूर। ये कूड़े का खत्ता है, दरअसल ये बहुत पुराना कूड़े का खत्ता हुआ करता था जिसके बाद इसको बंद कर दिया गया और 100 फुटा रोड के ही एक दूसरी जगह पर कूड़े का खत्ता लोगों के लिए बनाया गया। लेकिन पूछताछ में आफ्ताब ने बताया कि 100 फुटा रोड पे जो पुराना कूड़े का खत्ता था उसी जगह पर चापड़ जिससे श्रद्धा के शव को काटा गया वो औजार वो हथियार उसने इसी कूड़े के खत्ते में फेंका है। आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा, ये गली आप देख रहे हैं दरअसल इसी गली से होते हुए आफ्ताब के घर का रास्ता है और ये सबसे पुराना कूड़े का खत्ता है। 100 फुटा रोड पर ये सबसे पुराना कूड़े का खत्ता है और ये जो रोड आप देख रहे हैं इसी रोड से महज 750 मीटर दूर ही आफ्ताब का घर है। तो आफ्ताब ने जब इस पूरी वारदात को अंजाम दिया उसके बाद से ही उसने अलग अलग लोकेशन पर जो हथियार है वो फेंकने शुरू किए और चापड़ का जो जिक्र किया जा रहा है वो इसी जगह पर किया जा रहा है। हालांकि अब कूड़े का खत्ता यहां से बंद कर दिया गया। आपको मैं मैप के जरिए दिखाने की कोशिश करूंगा, आप देखेंगे कि आफ्ताब के घर की जो लोकेशन है वो यहां से महज 750 मीटर दूर है। और चौंकाने वाला खुलासा ये भी है कि जिस जगह ये कूड़े का खत्ता है जिस जगह आफ्ताब ने चापड़ फेंका और पूछताछ में ये बात कही वो जगह दरअसल घर के तो बेहद नजदीक है लेकिन जहां से पुलिस को श्रद्धा से जुड़े हुए शव बरामद हुए जो हड्डियां पुलिस ने जिस जंगल से बरामद की वो दरअसल सड़क के दूसरे तरफ है।
सड़क के दूसरी तरफ आप ये फूल मंडी देख रहे हैं और यहाँ से महज 300 मीटर आगे ही वो जंगल का जो पूरा इलाका है वो शुरू होता है। जांच में ये बात भी सामने आई कि आफ्ताब गुरुग्राम में कॉल सेंटर में जब जाता था तो वो मेट्रो का इस्तेमाल करता था, लेकिन आरी और ब्लेड जब वो गुरुग्राम में फेंकने पहुंचा तो वो एक कैब के जरिए गया और कैब में लिफ्ट मांगकर गया। ये तमाम ऐसी बातें हैं जो पूछताछ में सामने आई हैं। पुलिस अब इन सभी दावों को वेरीफाई करने में लगी है और जो कूड़े के खत्ते का जिक्र किया जा रहा है, दिल्ली पुलिस की एक टीम यहां पर पहुंची थी, इस पूरे कूड़े के खत्ते की भी तलाशी यहां से दिल्ली पुलिस द्वारा ली गई है। श्रद्धा मर्डर केस के दूसरे अहम सबूतों की तलाश में जुटी पुलिस ने 14 टीमें बनाई हैं जो अलग अलग लोकेशन पर जाकर इस पूरे मामले की छानबीन कर रही हैं। आफ्ताब के मोबाइल लोकेशन के आधार पर तफ्तीश भी आगे की जा रही है। वहीं महरौली और गुरुग्राम में कूड़ा उठाने वालों से भी पुलिस पूछताछ कर सबूतों की तलाश कर रही है। आफ्ताब हमेशा मेट्रो से अपने दफ्तर जाता था, लेकिन जिस दिन वो हथियार फेंकने के लिए गया था उस दिन वो कैब बुक करके गया था, ये बड़ी जानकारी पुलिस को मिली। श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी हुई हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक और बड़ी बात और बड़ी खबर सामने आई है, जिस तरह से गवाहों की लिस्ट बढ़ती जा रही है वो ये बताता है कि कैसे श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस वसई और मुंबई में करीब 14 लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है और पुलिस की तफ्तीश लगातार जारी है। इसी कड़ी में अभिनेता इमरान नजीर खान का बड़ा बयान सामने आया है। इमरान ने बताया कि 2021 में जनवरी फरवरी महीने के बीच से में श्रद्धा से उनकी मुलाकात हुई थी और इस दौरान श्रद्धा ने आफ्ताब को लेकर बात की थी, आफ्ताब का जिक्र किया था। श्रद्धा ने बताया कि आफ्ताब ड्रग्स का आदी था और उससे लगातार मारपीट करता था। श्रद्धा चाहती थी कि किसी तरह आफ्ताब ड्रग्स छोड़ दे और वो उसको काफी टॉर्चर करता था जो श्रद्धा झेलती थी। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब पूनावाला की कस्टडी फिर से बढ़ाई गई है। लगातार इस केस में नए खुलासे हो रहे हैं, अब मामला ड्रग एंगल तक पहुंच गया है। मेरे साथ टीवी अभिनेता इमरान खान मौजूद हैं। इमरान, आपने कुछ चीज़ों का जिक्र किया था जो हमने हाल ही में देखा, तो श्रद्धा की मुलाकात आपसे कब हुई और क्या कुछ श्रद्धा ने आपको बताया आफ्ताब के बारे में? एक्चुअली हमारी मुलाकात हुई थी 2021 में जी। जन और फरवरी के बीच में हमारी मुलाकात हुई थी। एक्चुअली मैं एक्टिंग के साथ साथ में इन्फ्लुएंसर हूँ और एनजीओ के साथ में, बहुत सारे एनजीओस के साथ जुड़ा हूँ, लोगों की हेल्प करते हैं हम लोग और कुछ भी ऐसा सोशल वर्क हो मैं वहाँ पे जाता रहता हूँ। ऐसी एक काम से मैं जूहू बीच पर गया हुआ था, देन सडन ऑफ मुझे एक लड़की दिखी जो बहुत परेशान थी। मैं उसका पेन इसलिए फील कर पाया क्योंकि मैं भी मुंबई से नहीं हूँ, मैं भी कश्मीर से हूँ, यहाँ पे अकेला हूँ, तो वो मेरे को लगा कि कहीं कुछ प्रॉब्लम है। देन कुछ लड़कियों से वो बात कर रही थी, बात करने के बाद देन मैं उनसे पूछने गया कि आर यू ओके, आप क्या फेस से लग रहा है कि आप प्रॉब्लम में है, आपको कुछ पैसों की ज़रूरत तो नहीं है? क्योंकि लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों को बहुत इफेक्ट हुआ था और हमने बहुत लोगों की हेल्प की भी थी। उन्होंने आपको कोई हेल्प चाहिए? बोला नहीं 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 हम ओके। उन्होंने बोला कुछ और हेल्प चाहिए, किसी कोई आपको तंग कर रहा है, कुछ कर रहा है? डायरेक्टली उन्होंने मना कर दिया, वो ज़्यादा मुझसे बात नहीं करना चाह रही थी। देन मैंने बताया कि आई एम इन्फ्लुएंसर, मेरे अच्छे फॉलोअर्स हैं, हम लोगों की हेल्प करते हैं जी। आपको कोई भी हेल्प हो तो बताइए। देन उन्होंने बताया कि मुझे एक्चुअली मीडिया लाइन में जाना है, मुझे भी जर्नलिस्ट बनना है। तो हमारी बातें होती गई, खुलती खुलती गई, तो देन उन्होंने मुझे बताया कि एक्चुअली, मैंने उनसे पूछा कि प्रॉब्लम क्या है जेन्युइनली, आप बता सकते हैं, मुझसे शेयर कर सकते हैं? तो उन्होंने बताया कि एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम मेरे बॉयफ्रेंड से बहुत समय से चल रही है, ड्रग एडिक्ट, बहुत स्मोकअप वगैरह चल रहा है, तो मैं इसको उस चीजों से निकालना चाहती हूँ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।